वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू वीडियो। और आज वीडियो में अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूँ एटमबग का लेटेस्ट जिनोवा मिक्सर ग्राइंडर विद ऑल न्यू कोर्स मोड। एटमबग जिन लोगों को नहीं बताया तो क्विकली मैं आपको बता दूं, एटमबग BLDC मोटर बेस्ड काफी सारे पावर एफिशिएंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऑलरेडी मार्केट में इनके काफी सारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, स्पेशली सीलिंग फैंस के लिए काफी पॉपुलर है। और ये वाला जो मिक्सर ग्राइंडर है ये भी BLDC मोटर के साथ में आता है। देखें और क्या कुछ खास है और जिस प्राइस में मिलता है उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, चलिए तो अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर एटमबग की ब्रांडिंग, साथ में मॉडल नेम, मिक्सर ग्राइंडर और जार का पिक्चर वगैरह कुछ फीचर्स भी दिए हुए हैं। और ऑलमोस्ट सेम चीज यहां पर आपको इसके बैक साइड में भी मिल जाती है। और साइड में आएंगे तो यहां पर कुछ और फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस वगैरह, काफी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, मॉडल नेम, कलर वेरिएंट, बॉक्स कंटेंट्स, डिटेल, मैन्युफैक्चर्ड बाय डेल्स वगैरह दिए हुए हैं। क्लियरली यहां पर दिया हुआ है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो कि काफी बढ़िया बात है। यहां पर 3 इयर्स की वारंटी भी मेंशन की हुई है। उसके अंदर सबसे पहले ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वारंटी कार्ड। नेक्स्ट है ये एक कार्ड गॉर्मेट बाय एटमबग, जिसके पीछे QR कोड है। इसको स्कैन करके परफेक्ट टेक्सचर के साथ में कुछ रेसिपीज वगैरह ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलता है 500 ml का ये एक चटनी एंड स्पाइस ग्राइंडिंग जार। नेक्स्ट है ये एक 500 ml का चॉपर जार, जिसके लिए टमाटो, ऑनियन या फिर डे टू डे यूज की काफी सारी सब्जियां वगैरह चॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये एक स्पैचुला। नेक्स्ट मिलते हैं 3 lid caps, जो कि काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग के साथ में आते हैं। ब्लैक टिंटेड ट्रांसपेरेंट के साथ में साइड में ब्रस्ट फिनिश मिलता है और सभी के अंदर रबर का अच्छी क्वालिटी का गैस्केट भी दिया हुआ है। नेक्स्ट मिलता है ये एक 1 लीटर का मल्टीपर्पज जार। और नेक्स्ट ये है एक 1.5 लीटर का लिक्विडाइजिंग जार, जिसके जरिए क्रीमी स्मूथी शेक्स वगैरह काफी सारी चीजें बना सकते हैं। फाइनली ये है अपना मेन प्रोडक्ट, मतलब के मिक्सर ग्राइंडर। डिजाइन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फर्स्ट लुक में ही जो मिक्सर ग्राइंडर है, जो जार्स है, इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है, फिनिशिंग है, वो काफी अच्छी है। प्रीमियम सा जरूर दिखता है मिक्सर ग्राइंडर। वैसे ये है ब्लैक कलर वाला वेरियंट, इसके अलावा रेड और व्हाइट कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो आप अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बेस्ट वाली लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो मिक्सर ग्राइंडर पूरा का पूरा अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आता है, ग्लॉसी फिनिश के साथ में। सामने यहाँ पर एटमबग की ब्रांडिंग है, साथ में एक कंट्रोल नोब मिलता है। इसके ऑल अराउंड एक सर्कुलर LED मिलती है, जो कि फंक्शनल भी है। आगे मैं बताऊंगा इसके क्या फीचर्स है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर जो डिजाइन है मिक्सर ग्राइंडर का, ये काफी मिनिमल है, साथ में एकदम से वेंटलेस डिजाइन है। यहाँ पर कोई भी ओपनिंग नहीं मिलती है, कोई भी फालतू के कट्स और क्रीजेस नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से इजी टू क्लीन रहता है, बेटर हाइजीन रहती है। नेक्स्ट यहां पर टोटल 4 जार मिलते हैं, जिनमें से 3 तो स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, अच्छी क्वालिटी का स्टील इस्तेमाल हुआ है। साथ में यहां पर ग्लॉसी फिनिश के साथ में प्लास्टिक हैंडल्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट एक जो जार है ये चॉपिंग जार है, जो कि पूरा का पूरा थोड़ा सा ब्लैक टिंटेड ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ में आता है। नेक्स्ट यहां पर जो लिड्स, मतलब कि कैप मिलते हैं जार्स के, ये सब के सब कैस्केट के साथ में आते हैं। और इनका जो लॉकिंग मैकेनिज्म है ये भी काफी अच्छा है। जो चॉपिंग जार है इसको तो स्लाइड करके कुछ ऐसे करके ओपन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट बाकी के जो 3 जार हैं, इनके साथ में मिलता है एंटी ग्रेविटी लिड लॉक, जिसको आप जब बंद करेंगे तभी बंद होता है, अपने आप से नहीं बंद होता है। और फिर जब बंद होता है तो यहाँ पर एकदम से हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस मिलता है। पहले तो यहाँ पर लगाना मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर के साथ में अलाइन करना है जार को कुछ ऐसे करके, और बस ऐसे घुमा देना है और लॉक हो चुका है। और फिर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पूरे ही टाइम इसके ऊपर हाथ रखकर आपको इस्तेमाल करना है, जैसे कि बाकी मोस्टली मिक्सर ग्राइंडर के साथ में होता है। इसको आप छोड़ देंगे फिर भी आपका काम हो जाएगा, कहीं भी नहीं जाने वाला। बाकी यहाँ पर जो मिक्सर ग्राइंडर है, इसके नीचे रबर के पैड्स मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। एकदम से तगड़ी वाली ग्रिप मिलती है, पूरा टेबल हिल जाता है लेकिन ये नहीं हिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग काफी बढ़िया है। बाकी एटमबग का मिक्सर ग्राइंडर है तो इसके अंदर एडवांस सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता अभी के लिए इस प्राइस सेगमेंट में किसी और मिक्सर ग्राइंडर में आते हैं। जिसमें से एक फीचर शायद आपने अभी थोड़ी देर पहले नोटिस किया होगा, जब मैंने ये वाला जार लगाया था, इसको जैसे ही निकालते हैं ना तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन LED है ये पूरी की पूरी ग्लो हो जाती है एकदम से राउंड शेप में। और जैसे ही इसको लगाते हैं तो एक बीप सुनाई देता है और एकदम से 0 के ऊपर नोटिफिकेशन LED दिखाई देती है, मतलब कि रेडी हो चुका है इस्तेमाल करने के लिए। और अगर ठीक से नहीं लगा हुआ है ये वाला जार तो ये पूरी ही नोटिफिकेशन LED दिखाई देगी। आप इसको ऑन करेंगे, ऑन नहीं होगा, रेड कलर की नोटिफिकेशन आ जाएगा यहाँ पर। किसी भी मोड में इस्तेमाल करेंगे ये ऑन नहीं होगा, जब तक आप प्रॉपरली अलाइन करके इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। चांस ये आपने ऑन छोड़ दिया है तो जब आप लॉक करेंगे तब भी ये ऑन नहीं होगा। जब आप इसको वापस से 0 पर लेके आएंगे, उसके बाद ये जब रेडी हो जाएगा तब वापस से आप इसको ऑन करेंगे, तभी ऑन होगा, जैसे कि अभी हो चुका है।
साउंड बहुत ज्यादा ये नहीं होता है जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। बाकी जार डिटेक्शन भी यहाँ पर मिलता है, बाई चांस के ऊपर जार नहीं है, बच्चे बच्चे रहते हैं घर में, इसको ऑन कर देते हैं तो ये ऑन नहीं होगा, जो कि मुझे लगता है एक काफी बढ़िया फीचर है। इसके अलावा कोई भी फॉल्ट हो जाता है, ओवरहीट या फिर ओवरलोड होता है या फिर कोई भी वोल्टेज का इशू होता है तब भी ये ऑन नहीं होगा, रेड कलर की नोटिफिकेशन LED दिखाई देगी। बाई चांस यूज करते टाइम लाइट चली जाती है, वापस से लाइट आएगी तो अपने आप ऑन नहीं होगा, रेड LED दिखाई देगी, वापस से आपको जीरो पर लेके आना है, फिर से स्टार्ट करना है तभी ऑन होगा। तो एकदम से सेफ एंड सिक्योर वाला काम है Atombug का। बाकी जो वेट है वो बहुत ज्यादा नहीं है मिक्सर ग्राइंडर का, बाकी वैसे रोज रोज लेके थोड़ी घूमना है इसको, किचन में एक जगह रखना है। सो डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट है तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए इसको आपके किचन में। नेक्स्ट मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस की, तो Atombug मिक्सर ग्राइंडर के अंदर मिलती है 550 वॉट्स की BLDC मोटर, जो कि इक्विवेलेंट है 1000 वॉट्स की नॉर्मल मोटर के। 2000 RPM से लेकर 18000 RPM की वाइड रेंज ऑफ ग्राइंडिंग स्पीड्स मिलती है, जो कि काफी सही चीज है। ये जैसे कि मैंने बताया पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ BLDC मोटर आती है, जो कि पावर एफिशिएंट रहती है लेकिन पावरफुल भी रहती है, जिसको इसके सामने की तरफ ये जो नोब है इसके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। अभी के लिए पूरा टॉप स्पीड पर है, फिर भी नॉइज बहुत ज्यादा नहीं है, आई होप आप सुन पा रहे होंगे। भाई एक एडवांस फीचर यहाँ पर मिलता है, जब चॉपिंग जार का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड है वो केवल 2000 RPM की ही मिलती है, चाहे किसी भी मोड में किसी भी स्पीड पर आप सिलेक्ट करके इस्तेमाल करेंगे फिर भी, क्योंकि एनफ है वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करने के लिए और एकदम सी परफेक्ट सी एक्यूरेट सी चॉपिंग मिलेगी हमें सही। बाकी डिफरेंट स्पीड्स पर आप ग्राइंडिंग तो कर ही सकते हैं, साथ में एक काफी यूनिक फीचर मिलता है इस वाले मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, जो है कोर्स मोड, जिसके जरिए कोई भी स्पाइसेस या फिर कोई भी और चीज आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो टेक्सचर है वो मेंटेन रहता है, जिससे कि एक कंसिस्टेंट ऑथेंटिक टेस्ट बरकरार रहता है, जो कि लोगों का परफेक्ट है फॉर प्रिजर्विंग इंटीग्रिटी ऑफ सीड्स वाइल जूसिंग। मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट करके भी देखा, दाल को मैंने ग्राइंड करा कोर्स मोड में, उसके बाद फिर इसको नॉर्मल मोड में ग्राइंड करा, नॉर्मल ग्राइंडिंग एकदम से पाउडर जैसा हो जाता है, एक्चुअल टेस्ट भी कहीं ना कहीं खो जाता है ग्राइंडिंग के दौरान, वो चीज इस कोर्स मोड में नहीं होती है। जैसे कि पुराने टाइम में नहीं सिलबट्टे पर जब मसाले पीसे जाते थे वहां पर एक्चुअल टेस्ट भी बरकरार रहता था और ग्राइंडिंग भी हो जाती थी, वैसा सही कुछ है जो कि मुझे लगता है काफी सारे लोग को पसंद आने वाली है। और इसी कोर्स मोड में हरे धनिया की चटनी भी बना के ट्राई की मैंने, जिसके जरिए एकदम से वही नेचुरल ऑथेंटिक जेन्युइन वाला सिलबट्टे वाला टेक्सचर देखने को मिल रहा था। बाकी इसके अलावा भी मैंने मिक्सर ग्राइंडर को काफ़ी डिफरेंट टाइप की चीज़ें ग्राइंड करने के लिए, शेक वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया और इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगी। मुझे पर्सनली जो नॉइस है वो बड़ा स्वीट सा लगा इस वाले मिक्सर ग्राइंडर का, एक बार फिर मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये कोर्स मोड है, ऐसे से ही चलता है, इसमें थोड़ा स्लो स्लो, ये स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, टॉप स्पीड पर यहाँ पर इतना ही नॉइस है और जो भी कुछ आप ग्राइंड करेंगे उसका नॉइस होगा, लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा कंपैरेटिवली बाकी जो मिक्सर ग्राइंडर आते हैं उनसे कम नॉइस है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। आई होप मैंने जो बोला आपने सुन लिया होगा। फाइनली अगर मैं समअप करूँ तो Atombug Zenova मिक्सर ग्राइंडर रेगुलर प्राइस में मिलता है करीब 7000 रुपये का, और इस प्राइस के हिसाब से अगर कंप्लीट पैकेज देखें तो जो डिज़ाइन मिल रहा है, बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, फिनिशिंग मिल रही है वो काफ़ी बढ़िया है, जितने सारे फीचर्स मिल रहे हैं वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है, कोस्ट मोड काफ़ी सही चीज़ है, साथ में यहाँ पर जो एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं वो ज़रूर से इसको स्टैंड आउट करते हैं बाकी मिक्सर ग्राइंडर से। कॉम्पैक्ट सा मिक्सर ग्राइंडर है जो कि टोटल 4 जार्स के साथ में आता है और प्राइस के हिसाब से मैं तो ये बोलूंगा एक काफी वैल्यू फॉर मनी बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। वैसे अभी के लिए फेस्टिव सीजन आ रहा है, दिवाली आ रही है, साल के सबसे बड़े ऑनलाइन सेल्स आ रहे हैं जहां पर कि आपको इसके ऊपर भी डिस्काउंट बैंक ऑफर वगैरह देखने को मिलेगा, तो हो सकता है आपको 6000-6500 के अप्रोक्स मिल जाए, तो दौड़ के भाग के आप इसको बाय कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक अवेलेबल है जहां से आप चेक कर सकते हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। बाकी आप बताएगा आपको कैसा लगा ये वाला मिक्सर ग्राइंडर नीचे कमेंट्स में जाकर, आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है जरूर से शेयर करिएगा, बाकी लोगों की हेल्प होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।